तो वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव अभियान को आगे बढ़ाते हुए आपका सुझाव हमारा संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान में एलईडी वाहनों, पत्र पेटिकाओं, जनसंपर्क, नमो ऐप और मिस्ड कॉल के माध्यम से मिलने वाले सुझावों के आधार पर चुनाव संकल्प पत्र तैयार होगा। बीजेपी का यह अभियान पूरे प्रदेश भर में लोकसभा चुनावों तक चलने वाला है। इसमें आने वाले सुझावों को पार्टी चुनाव संकल्प पत्र में शामिल करेगी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि संकल्प पत्र में आम जनता की सहभागिता जरूरी है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में एक अभियान के तहत आम जनता से सुझाव लेने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। 5 में से 3 सीटों पर हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। सभी लोकसभाओं में हमारे कार्यालय खुल चुके हैं। उससे नीचे विधानसभा स्तर पर कार्यालय खुलने की प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूँ 1-2 दिन के अंदर सभी विधानसभाओं में हमारे चुनाव कार्यालय खुल जाएंगे। जगह जगह पर हमारी मोदी की गारंटी विकसित भारत संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है चुनाव के लिए, उसके लिए जनता के प्रत्येक वर्ग से सुझाव लिए जा रहे हैं। जगह जगह बैठ के करके कल भी, परसों भी, देहरादून में भी, हरिद्वार में भी, मजदूरों के साथ, रेडी पटरी वालों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, व्यापारियों के साथ, शिक्षकों के साथ, इस प्रकार के हर वर्ग के, महिलाओं के साथ, हर वर्ग के लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं।